हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 75वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल, इन सब का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, यानी इन सभी को इंस्टॉल करके उसके बाद उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद अपने मकान में इन्वर्टर का एक तार जो होता है उसी एक तार पर हमारे पूरे मकान का लोड कैसे चलता है, कोई बल्ब एक ही तार से कैसे जल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने समझने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बना रखा है ताकि समय का बचत हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसको इन्वर्टर बोला जाता है और यहाँ पर है बैटरी। और उसके बाद यदि कोई कहता है हमारे यहाँ सोलर प्लेट भी लगाना है तो सोलर प्लेट भी आपको लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने दो प्लेट रखा है, दोनों प्लेट को मतलब दो अलग अलग प्लेट इसलिए रखा है कि इनका आप कैसे कनेक्शन करेंगे, दो हो जाए चाहे चार हो जाए उनको कैसे आप आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कनेक्शन को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है एक इन्वर्टर और इन्वर्टर के आप बैक साइड में जाएंगे तो उधर के तरफ आप देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, यानी दो लंबे तार दिखेंगे, लगभग एक मीटर से कम ही होता है। तो कुल मिलाकर के एक लाल और एक काला तार दिखता है। जो लाल होता है वो प्लस का होता है, जो काला होता है वो माइनस होता है। बैटरी में भी आपको प्लस माइनस दिख जाएगा। तो यहाँ इन्वर्टर और बैटरी का जो दोनों तार है उसको आपस में जोड़ दीजिए, मतलब प्लस का प्लस में, न्यूट्रल का न्यूट्रल, यानी माइनस का माइनस में। एक बात और ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मेन लीड होता है ना, अक्सर यदि ये नया आता है तो मेन लीड का जो प्लग होता है इसके पीछे वाला जो सॉकेट बना हुआ है उसी के अंदर लगाया गया होता है। तो कभी भी इस तार को यहाँ बैटरी में जोड़ने से पहले तो इस पीछे वाले का प्लग जो है बाहर से निकाल लेना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच और एक सॉकेट लगा है, यानी कि यह एक पर्सनल बोर्ड है इस इन्वर्टर और बैटरी के लिए। और हमेशा कभी भी वायरिंग किया जाता है, आप करिए चाहे कोई और कर रहा है वायरिंग, तो उस जगह पर इन्वर्टर के लिए अलग से एक स्विच और एक 5-पिन सॉकेट देना न भूलें। और यह जो है कम से कम 15 एम्पियर वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सॉकेट और स्विच आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जहाँ पर इन्वर्टर बैटरी लगाना है, या फिर आप खुद वायरिंग कर रहे हैं तो इन्वर्टर बैटरी का स्थान आप पूछ लीजिए जिसका मकान है और उस जगह पर आप इसको लगा दीजिए और उसका कनेक्शन प्रॉपर कर दीजिए। और कनेक्शन करने का मतलब लाइन का इसमें स्विच के अंदर दे दीजिए, न्यूट्रल जो है इधर दे दीजिए, लाइन यहाँ से निकाल करके ये जो हमारा सॉकेट है उसके दाहिने साइड दे दीजिए, न्यूट्रल हमेशा बाएं साइड। क्योंकि देखिए नियम हमेशा फॉलो करना है, यदि आप नियम नहीं फॉलो करेंगे, नियम का मतलब यह है कि फेज का जहाँ स्थान है उसी जगह पर दीजिए, न्यूट्रल का जहाँ पर स्थान है उसी जगह पर दीजिए। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि हम न्यूट्रल के जगह पर फेज और फेज के जगह पर न्यूट्रल दे देते हैं तब भी तो हमारा सब कुछ चलता है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी भी कंट्रोलिंग जो चीज़ें होती है, कंट्रोल जिसको किया जाता है वो फेज को किया जाता है। और यदि आपने उल्टा सीधा कनेक्शन कर दिया है तब तो सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगने वाला होगा, यदि आप इन्वर्टर बैटरी आप लगा देते हैं, इसका कनेक्शन भी जब जैसा भी मैं बताऊँगा वैसा आप खुद करेंगे, तब भी जो है कुछ कमरों में हो सकता है कि बल्ब जलेगा, काम करेगा इन्वर्टर, कुछ में नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि कभी भी आप वायरिंग करें तो न्यूट्रल और फेज का जहाँ जहाँ स्थान है उसी जगह पर आप देने का काम करें, दूसरे जगह पर न दें, नहीं तो फिर इन्वर्टर बैटरी जिस दिन लगेगा उस दिन मकान की वायरिंग फेल मानी जाएगी, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो एक मेन लीड होगा जिसमें जिसके द्वारा यह इन्वर्टर को सप्लाई दी जाती है, फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होता है। तो अब हम इसमें इन्वर्टर से जो मेन लीड आया है, मेन लीड में 3-पिन टॉप होगा, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर लगाने के बाद आगे का कुछ इधर का भी कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम यहाँ से अभी करके आपको समझा देते हैं। इधर जो हमने एक बोर्ड बनाया है, जैसे अभी कनेक्शन करेंगे वैसे ही हमारे अलग अलग कमरों में कनेक्शन पहले से ही मौजूद होगा। तो यहां से आप लाइन सप्लाई ले जा सकते हैं और इधर से आप न्यूट्रल सप्लाई भी ले जा सकते हैं।
तो ये जो दो तार आया, हमारे जो मेन लीड है या मेन तार है जो पोल से आया हुआ है या मेन बोर्ड से आया हुआ है, वहीं से हम दो तार लेकर के फेज न्यूट्रल इधर के तरफ आ जाएंगे। और इधर जो ये फेज है, हमेशा ध्यान रखिए कि फेज को ही फ्यूज के अंदर जोड़ा जाता है। न्यूट्रल हम यहीं पर छोड़ देते हैं, जब हम इसमें फेज का कनेक्शन कर लेंगे उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ से हम फेज सप्लाई को यहाँ से निकाल के लाते हैं और जितने स्विच हैं, अभी आपने हमारा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा होगा, तो ये कनेक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं, साधारण कनेक्शन है। यहाँ से आप एक तार लीजिएगा, मतलब फ्यूज में इन किए, फ्यूज से आउट करने के बाद यहाँ पर जितने भी आप स्विच देख रहे हैं उन सभी स्विचों के नीचे इस तार को जोड़ दीजिए, कुछ इस तरीके से ऐसे जो है जोड़ दीजिए। तो हमारा जो फेज सप्लाई है अभी स्विच के अंदर इन हो चुका है, यह स्विच इस बल्ब के लिए लगा हुआ है, तो इस स्विच से एक फेज तार लेकर के बल्ब को जोड़ दीजिए, यहाँ से एक फेज तार लेकर के इस बल्ब के किसी भी साइड पर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसका जो तार आएगा, मतलब यहाँ से जो फेज निकलेगा, ये इसको ऑन ऑफ करने वाला है, तो यहाँ से जो तार आएगा इस सॉकेट के दाहिने तरफ, क्योंकि सॉकेट में नियम जो है फॉलो करना है आपको, इधर के तरफ आपको दाहिने तरफ फेज देना है और उसके बाद यह भी क्या है दाहिने तरफ ही फेज जाएगा, यानी कि हमारा जो सीधा वाला हाथ है उधर साइड में, ये जो है कि हम फेज इधर के तरफ दे देंगे। उसके बाद जो है अब रह गया न्यूट्रल का कनेक्शन। एक और जगह फेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया जाता है इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में यहाँ पर न्यूट्रल आप दीजिए, और न्यूट्रल जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं और आपके इस वाले सॉकेट में चला जाएगा, यही जो है इस सॉकेट में चला जाएगा, और यहीं से आप न्यूट्रल को नीचे के तरफ लाएंगे। यहाँ पर क्रॉस वायर बनाइए ताकि ये समझ में आए कि इधर का सप्लाई अलग है और इसमें जो तार जा रहा है उसमें जो सप्लाई आ रही है वो अलग आएगी, और ये जो दोनों तार है, मतलब जो दोनों बल्ब है, इसी में जा करके ये जुड़ जाएगा, यानी ये न्यूट्रल फेज सब कनेक्शन हमने इस बोर्ड के अंदर कंप्लीट कर दिया है। यदि आप किसी के घर में जाते हैं इन्वर्टर कनेक्शन के लिए तो ये सारी चीज़ें पहले से ही किया रहेगा, बोर्ड में पूरा कनेक्शन किया रहता है। एक छोटा सा ट्रिक है, उस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही आसान होता है इन्वर्टर का कनेक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। आप इसको पहले कम से कम इस तरीके से जोड़ लीजिए, सब कुछ जो है कि एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक 5-पिन सॉकेट दिखता है, इन्वर्टर में एक 5-पिन सॉकेट दिखेगा, इसमें भी दाहिना और बायां साइड आपको दिखेगा, तो जो दाहिने साइड दिख रहा है वहीं से आपको एक तार ऐसे निकाल लेना है, इसी तार को हम इन्वर्टर का तार कहते हैं, और इसी तार से हम इधर बोर्ड के अंदर इस तार को लेकर आएंगे, या फिर यह तार पहले ही से इस बोर्ड में मौजूद रहता है और वह तार जो है यहाँ पर मान लेते हैं बोर्ड में मौजूद रहेगा, और भी जगह जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं उन सभी बोर्ड के अंदर ये तार पहले ही से जो वायरिंग करता है उसमें पहले से ही डाल के रखता है, और इधर जहां इन्वर्टर आपका लगने वाला होता है उसका एक सिरा आपके इन्वर्टर के पास ला करके छोड़ देता है। जब इन्वर्टर बैटरी लगता है, आप खुद लगाने गए हैं, तो उस तार को क्या करिए दाहिने साइड ले जाके जोड़ दीजिए, और इधर प्रत्येक बोर्ड में यह तार कहीं जुड़ा नहीं होता है, कोई कोई जोड़ देता है, कोई नहीं जोड़ता है, तो जोड़ा नहीं गया है तो इसी में तार जा करके ऐसे लटका रहेगा। आपको करना क्या है, कस्टमर से पूछना है जिनका आपने ये बैटरी इन्वर्टर लगाया, पूछना है कि इस बोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें इन्वर्टर से चलानी है। वो कहते हैं कि हमारा ये वाला सॉकेट कर दीजिए और ये वाला बल्ब हमको जो है इन्वर्टर से चाहिए, बाकी ये सॉकेट और ये वाला बल्ब हमको लाइट से चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, इधर के तरफ जो स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल हो रहा है, जिस स्विच से ये बल्ब कंट्रोल हो रहा है, उस स्विच के नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेन फेज है ना वो गया होगा, उसी फेज को यहाँ से खोल के अलग कर दीजिए, हटा दीजिए, और इधर के तरफ भी एक मेन फेज गया है, इसको भी यहाँ से खोल के हटा दीजिए। इधर के तरफ तो जाना चाहिए क्योंकि इसको तो हमें लाइट से करना है, तो लाइट से करना है, तो ये जो मेन लाइट आ रही है वो लाइट का फेज यहाँ पर जाना चाहिए, और जिसको आपको इन्वर्टर से करना है बस उसी के नीचे का जो है मेन लाइट का तार खोल दीजिए, और ये जो इन्वर्टर से तार आया है बस यहीं पर ले जाके जोड़ दीजिए और इसी तार को इसमें जोड़ दीजिए, या फिर जिसको जिसको करना है उसके स्विच के नीचे वाला, यानी कि जिधर फेज जुड़ा होगा उस मेन लाइट वाले फेज को हटाइए, उस स्विच से इस इन्वर्टर वाले फेज को दे दीजिए। यहाँ पर आपको इसमें भी फेज ही आता है और इधर जो लाइन वाला तार है कौन सा है,
ये वाला तार, इसमें भी लाइन आएगा, ये न्यूट्रल आ रहा है और ये जो है इन्वर्टर आ रहा है। तो इन्वर्टर वाले में भी क्या आता है, फेज ही आता है और इस लाइन वाले में भी फेज आता है। अब इन दोनों का मतलब समझिएगा, इस वाले में जो फेज आ रहा है, जब तक पोल वाली लाइट रहेगी तब तक ही इसमें फेज रहता है, और जैसे ही वो लाइट कट जाती है इसका फेज गायब, यहाँ से ये फेज गायब हो जाएगा। ये जो इन्वर्टर वाला फेज है इसमें तुरंत जो है लाइट जो है बैटरी से तुरंत ये डीसी लेता है इन्वर्टर, और उसी को कन्वर्ट करके 220 या 230 जो भी वोल्टेज होता है उसको इधर के तरफ भेजने लग जाता है। यानी कि इसमें ऑल टाइम आपको फेज देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही लाइट आता है यही लाइन, ये वाला जो मेन लाइन है वही लाइन जो है इसमें आ जाती है। लेकिन जैसे लाइट कटती है इन्वर्टर के अंदर वैसा व्यवस्था किया गया है कि यही वाली लाइन क्या होगी, वो कटेगी तो हट गया और उसी के साथ जो है कि इन्वर्टर जो है इस बैटरी से जो 200 इस बैटरी से जो 12 वोल्ट ले रहा है उस 12 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, उसका फेज इधर भेज देता है। अब न्यूट्रल कहाँ से इसको मिलेगा, यानी बल्ब को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, तो उस चीज़ को समझिए, क्योंकि हमने ये दूसरा वाला तार तो ले नहीं गया है। तो न्यूट्रल क्या होता है, इसका जो मेन लीड है ना, यहाँ से एक लीड जो आया हुआ है इसमें ये न्यूट्रल होता है, यहाँ से लाइन इधर के तरफ आपका जा रहा है, इधर से फेज मतलब जा रहा है बैटरी वाला फेज इधर से जा रहा है 230 वोल्ट का, और वो न्यूट्रल जो होता है यहाँ से जो उसका प्लग है ना, उस प्लग से होते हुए यहाँ से ऐसे जाएगा और ये पूरे न्यूट्रल वाले में ऐसे न्यूट्रल में जा करके पूरे में न्यूट्रल मिल गया। यानी कि आपके इधर भी न्यूट्रल आ गया, वही न्यूट्रल इस बल्ब को मिल गया। तो इस बल्ब को तो न्यूट्रल मिल रहा है, सबको न्यूट्रल मिल रहा है, लेकिन जिसको फेज मिलेगा, जिसको हम इधर से ये तार ले जा करके जोड़े रहेंगे उसी को केवल फेज मिलेगा और वही जो है वैद्युतिक उपकरण अपना काम करेगा। एक बात और समझिए कि यदि किसी बोर्ड के अंदर आपने इसको ले जा करके इन्वर्टर वाले को इधर फेज आपने हटाया और वहीं ले जा करके जोड़ दिया, फिर भी जो है वह इन्वर्टर से कार्य नहीं कर रहा है, लाइट से तो कार्य कर रहा है लेकिन इन्वर्टर से काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इधर जो मेन दो तार आया हुआ है ये आपने गलत लगाया होगा, या फिर इलेक्ट्रीशियन जो वायरिंग किया है वो गलत किया है, वो आपको क्या करना है, न्यूट्रल को इधर कर देना, मतलब ये वाला तार इधर और ये वाला तार इधर, उसने क्या किया है फेज को, मतलब न्यूट्रल के जगह न्यूट्रल को फेज के जगह लगा दिया है इन्वर्टर कनेक्शन में। ये बात जो है कि आपको एकदम ध्यान में रखना है, यदि न्यूट्रल और फेज का गलती हो जाएगा तो हमारा जो पंखा मोटर जो भी मतलब चलाना होता है वो चीज़ें नहीं चल पाएगी, बल्ब बल्ब कुछ भी नहीं जल पाएगा इन्वर्टर से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, जिसको भी आप करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में कोई कहता है कि इस सॉकेट को पहले से, मतलब ये बगल वाली सॉकेट इन्वर्टर से है, इसका ये वाला सॉकेट जो है इन्वर्टर से नहीं है, आपको ये भी इन्वर्टर से करना है, तो उस बगल वाले के पास यानी कि इन्वर्टर का तार पहुँचा होगा, उस जगह से एक तार लीजिए जो बगल वाली सॉकेट जिसमें आप इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहते हैं, वहां से मेन लाइन का तार हटा दीजिए और उसी में आप इन्वर्टर वाला फेज जोड़ दीजिए, यानी इस स्विच से जैसे हमने हटाया और उसी जगह पर हमने ये फेज जोड़ दिया, इस तरीके से ये इन्वर्टर से काम करने लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होगी, यदि आपका कोई सवाल वाल होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोलर प्लेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। बैटरी आपकी 12 वोल्ट की है, ये इन्वर्टर भी 12 वोल्ट का है, ये सेटअप जो है 24 वोल्ट वाला भी आता है, तो ज़्यादातर तो आपको 12 वोल्ट पर ही काम करना होगा। तो 12 वोल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ये भी 12 वोल्ट है ये भी 12 वोल्ट है, दोनों को आपको आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो इसका प्लस और इसका प्लस आपस में जोड़ जाएगा और इसका माइनस और दूसरे वाला का माइनस, ये भी क्या होगा, एक जगह जुड़ जाएगा। यानी कि प्लस प्लस आपस में, माइनस माइनस आपस में जोड़ दीजिए और यहाँ से आपको दो तार निकाल लेना है, यही सोलर का तार होता है। अब इस सोलर के तार को, यदि आपका इन्वर्टर सोलर वाला है तो इसमें तार जोड़ने का ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ से आप ले जा करके जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपका ये इन्वर्टर सोलर वाला नहीं है तो आपको करना क्या होगा, एक अलग से कंट्रोलर आता है, सोलर का कंट्रोलर आएगा, इस कंट्रोलर में आप दो तार जो है सोलर का इन कर सकते हैं और दो तार यहाँ से बैटरी वाला मिलेगा। यही दोनों तार आपको कहाँ जोड़ना होता है, तो बैटरी का जो माइनस
और ये प्लस, मतलब प्लस और माइनस सभी पर एकदम लिखा रहता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। इधर भी आपका ये प्लस लिखा रहेगा, ये माइनस लिखा रहेगा, मतलब सोलर का जहाँ जोड़ना है प्लस माइनस अपना लिखा रहेगा, बैटरी का जहाँ पर जोड़ना है उधर भी आपको प्लस माइनस दिखेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैटरी वाले पर ही जोड़ सकते हैं। ये क्या है, आपका कंट्रोलर है। कंट्रोलर तभी लगाना है जब आपका इन्वर्टर सोलर वाला नहीं हो। सोलर वाला नहीं रहेगा तो कंट्रोलर लगा दीजिए, आप डायरेक्ट इसको इस पर ना लगाइए। नहीं तो होता क्या है कि ये डायरेक्ट हमेशा जो है कि इसको चार्ज करता रहेगा, बैटरी खराब हो सकती है, यदि फुल हो जाएगी तब भी इसको ये चार्ज करता रहेगा। लेकिन यदि आप कंट्रोलर लगा दिए हैं तो जब बैटरी फुल हो जाएगी तो इसका जो पावर आएगा, जो इसका वोल्टेज आएगा, यह यहीं पर रोक देगा, इधर की तरफ नहीं जाने देता है कंट्रोलर। ये इसका फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको इन्वर्टर, बैटरी, सोलर, इस सबका इंस्टॉलेशन और कनेक्शन, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का बहुत सारा कोर्स सीखने समझने को मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।